पंजाब कांग्रेस के अध्यक्ष नवजोत सिंह सिद्धू के दिल में बरसों से मौजूद पाकिस्तान प्रेम का सैलाब फिर से बेकाबू हुआ। दिल की भावनाएं जुबान पर आईं तो पड़ोसी मुल्क के पीएम और बात बात पर हिंदुस्तान की बुराई करने वाले इमरान खान को सिद्धू ने बड़े भाई का ओहदा दे दिया। अब धार्मिक यात्रा सियासी तूफान की वजह बन गई, क्योंकि सिद्धू के इमरान प्रेम पर बीजेपी ने राहुल गांधी पर टारगेट कर दिया। नवजोत सिंह सिद्धू शनिवार को करतारपुर कॉरिडोर से पाकिस्तान के करतारपुर पहुंचे थे। वहां कैसे पहले फूलों की बारिश, फिर विवाद का विस्फोट हुआ और फिर हुआ कांग्रेस पर बीजेपी का आक्रमण। ये रिपोर्ट देखिए। ये बहस संयोग है या फिर सिद्धू की सियासी कला? सीमा पार करते ही सिद्धू की जुबान से पाकिस्तान गदगद हो जाता है और हिंदुस्तान के करोड़ों दिल छलने। जिस धार्मिक यात्रा को लेकर पाकिस्तान ने हिंदुस्तान को कई बार ब्लैकमेल करने की कोशिश की, जिस पवित्र स्थल से अब भी पाकिस्तान पाप का प्रपंच रचता है, उस जगह चंद फूल क्या बरस गए। सिद्धू ने पाकिस्तान के प्रधानमंत्री को बड़ा भाई बता दिया। सिद्धू के सियासी करियर में पाकिस्तान की प्रेम गाथा का ये पहला चैप्टर नहीं है। हमारे जवानों का खून बहाने वाले जनरल बाजवा से गले मिलने की इस तस्वीर ने भी करोड़ों हिंदुस्तानियों का खून खौलाया था। सिद्धू इमरान खान के शपथ ग्रहण समारोह में पहुंच गए थे। करतारपुर कॉरिडोर खुलने के बाद भी सिद्धू इमरान के लिए कसीदे पढ़ रहे थे। हिंदुस्तान जीवे ते पाकिस्तान जीवे, हसदा वसदा ए सारा जहान जीवे, जीवे रैम हर इंसान दे दिल दे अंदर ते शान बान आन दे नाल हर इंसान जीवे ते प्यार अमन खुशहाली दा रूप बन के मेरा यार दिलदार इमरान खान जी। तेरी मुरव्वत तेरे प्यार दे तोहफे बदले मेरे कोल ता सब तो महंगी एहो शै है। मैं शुकराना लेके आया हां महंगा यारा सोनिया खाना दिल दिया शहनशाह खान इमराना तेरी खातर दिल नजराना लेके आया। सिद्धू करतारपुर साहिब मत्था टेकने गए थे, लेकिन अरदास करने से पहले ही लगा जैसे पाकिस्तानियों के सामने सिद्धू ने घुटने टेक दिए। औपचारिक स्वागत में पीएम का नाम सुनते ही सिद्धू के प्रेम का प्याला छलकने लगा। इमरान को बड़े भाई का सम्मान दिया और भूल गए कि इमरान किस तरह हर मौके पर हिंदुस्तान का अपमान करते हैं। अगर आप ये समझते हैं कि आप पाकिस्तान के ऊपर कुछ किसी किस्म का हमला करेंगे, पाकिस्तान रिटेलिएट करने का सोचेगा नहीं, पाकिस्तान रिटेलिएट करेगा। पाकिस्तान कोई और दूसरा रास्ता नहीं होगा रिटेलिएट करने के बगैर, जवाब देने के बगैर। और उसके बाद बात किधर जाती है, हम सब जानते हैं कि जंग शुरू करना आसान है, शुरू करना तो जंग इंसान के हाथ में होती है, लेकिन जंग खत्म करना। वजहों की कमी नहीं, इमरान हो या फिर पाकिस्तान, सिद्धू जिस पाकिस्तानी जमीन पर पहुंचते ही पाकिस्तान और इमरान के लिए दिल का दरिया खोल देते हैं। उस मुल्क से हिंदुस्तान के लिए एक छोटी सी मुस्कान लाने वाला वाकया तक बरसों से नहीं हुआ। लिहाजा करतारपुर यात्रा के बाद फिर विवादों की नई आंधी शुरू हो गई। बंधुगण, वही हुआ जिसका डर था। आज नवजोत सिंह सिद्धू ने इमरान खान को बड़े भाई कह के संबोधित किया और यह भी कहा कि मैं उनसे बहुत प्यार करता हूं। जीवे जीवे पाकिस्तान कहा था इससे पहले नवजोत सिंह सिद्धू ने, मेरा यार दिलदार इमरान खान के लिए कहा था। और केवल इमरान खान ही नहीं,
कमर बाजवा जो उनके आर्मी के चीफ थे उनसे गले लगना, यह सब भी हमने देखा है। बीजेपी ने सिर्फ सिद्धू नहीं बल्कि कांग्रेस की सोच और राहुल गांधी की नीयत पर सवाल उठाया है। टारगेट पर पूरी पार्टी और कांग्रेस नेतृत्व है। ये कोई नवजोत सिंह सिद्धू का लोन इंसिडेंट नहीं है, ये एक डिजाइन है, एक पैटर्न है, कांग्रेस पार्टी का एक तरीका है। देयर इज अ डिजाइन इन वॉट एवर वी हैव बीन सीइंग थ्रू नवजोत सिंह सिद्धू और थ्रू मल्टीपल लीडर्स ऑफ द कांग्रेस पार्टी इन द। और आज मैं बिल्कुल स्पष्टतः कह सकता हूं कि जो सिद्धू ने कहा है कि इमरान खान मेरा बड़ा भाई है, ये राहुल गांधी जी के कहने पर ही कहा है। सियासत के इस नाजुक दौर में सिद्धू ने बीजेपी को बैठे बिठाए नया मुद्दा दे दिया है। सवाल उठ रहे हैं कि आखिर कैप्टन अमरिंदर सिंह की जगह सिद्धू को तरजीह क्यों दी गई, क्या इसके पीछे भी कांग्रेस का पाकिस्तान प्रेम है? आपको याद होगा पिछले बार जीवे जीवे पाकिस्तान जब कहा गया था, पिछली बार कमर बाजवा से जब गले लगने का उपक्रम किया था नवजोत सिंह सिद्धू ने, और सिद्धू जी से आप लोगों ने प्रश्न पूछा था, पत्रकारों ने प्रश्न पूछा था कि क्या ये उचित है, तो नवजोत सिंह सिद्धू ने कहा था मैं अपने मुख्यमंत्री को नहीं मानता हूं, मेरे कप्तान, मेरे कैप्टन तो राहुल गांधी हैं, जो राहुल गांधी कहते हैं मैं वही करता हूं। तो स्वाभाविक रूप से कैप्टन सिद्धू के राहुल गांधी हैं, बड़े भाई सिद्धू के इमरान खान हैं। करतारपुर से लौटने के बाद सिद्धू बैकफुट पर दिखे, उन्होंने इमरान खान को बड़ा भाई कहने पर सफाई दी। ताड़ी दो थाना वजदी है, मैं पिछली बार भी जदों गया सी, लोग छोटियां जी गल्लां चक लैंदे आ, साडा सिल्कन रूट खुलना चाहिए, यूरोप वांग खुलना चाहिए। इससे पहले करतारपुर साहिब की स्पेशल कवरेज कर रही टीवी 9 भारतवर्ष की टीम ने सिद्धू से इस मुद्दे पर सवाल किया है। इस वक्त पाकिस्तान में करतारपुर साहिब गुरुद्वारे के दर्शन करके लौट रहे हैं। सर एक लंबी मांग थी जो पंजाब की, आपने भी कई बार उठाई, फिर खुला है कॉरिडोर। दिल्ली से लेकर पंजाब तक अब सिद्धू के बयान पर आरोप और सफाई का दौर जारी है। कहीं ना कहीं इन सब के पीछे गांधी परिवार की शय है, और नवजोत सिंह सिद्धू ने तो स्पष्ट रूप से कहा था कि वो जहां भी जाते हैं और जो भी बयान देते हैं वो राहुल गांधी के कहने पे देते हैं क्योंकि राहुल गांधी उनके कैप्टन हैं। तो क्या कांग्रेस पार्टी नवजोत सिंह सिद्धू के माध्यम से पाकिस्तान को लेकर इस प्रकार के बयान दिलवा रही है? कब्रिस्तान, शमशान घाट, हिंदू मुस्लिम ये सब राजनीति ये करते हैं। नवजोत सिद्धू और इमरान खान के रिश्ते कोई आज नए हैं कि इनको पता चला है? वो तो पुराने स्पोर्ट्समैन है, दोस्त है, 10 बार वो कह चुके हैं, हर बार वो कहते हैं कि मेरा अच्छा दोस्त है, वो भी कहते हैं मेरा अच्छा दोस्त है, तो अच्छे दोस्त को भाई कह लेना कौन सी बुरी बात है जी। यूपी और पंजाब में चुनाव से ठीक पहले सिद्धू का ये पाकिस्तानी दौरा कांग्रेस की राह का बड़ा रोड़ा जरूर बन सकता है, क्योंकि बीजेपी ने सिद्धू के पाकिस्तान प्रेम को हिंदुत्व का अपमान बताया है। सिद्धू का नाम अब उस लिस्ट में शामिल हो गया है जिन नेताओं के बयानों का हवाला बीजेपी कई दिनों से दे रही है। अभी कुछ दिन पहले बीजेपी ने कांग्रेस नेता राशिद अल्वी के एक वीडियो से कांग्रेस की मानसिकता पर सवाल उठाए थे। राशिद अल्वी को अपने बयान पर सफाई देनी पड़ी थी। बीजेपी ने सलमान खुर्शीद की किताब सनराइज ऑफ अयोध्या में हिंदू धर्म की तुलना आईएसएस और बोको हराम से करने का आरोप लेकर इसे मुद्दा बनाया था। ऐसे में सवाल यही है कि सियासत के जिस फ्रंट पर कांग्रेस के नेताओं में सबसे अधिक सावधानी और मजबूती की जरूरत है, सिद्धू ने उसी मोर्चे पर कांग्रेस को कमजोर क्यों किया? मोहित मल्होत्रा, टीवी भारतवर्ष। ऑन बिहाफ ऑफ प्राइम मिनिस्टर पाकिस्तान सबकी तरफ से परवाह देश की, सोमवार से शुक्रवार रात 10 बजे TV9 भारतवर्ष पर।